गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जिसको लेकर अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि टीकाकरण ही ऐसा कवच है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खासकर उन अभिभावकों को जिनके बच्चे कुपोषण के शिकार हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज करने वाली महिलाओं और श्रमिकों को इसकी बेहद जरूरत है, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, जिसे सरकार निशुल्क करा रही है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वैश्विक महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार है जिससे कोरोना से जंग लड़ा जा सकता है, इसलिए अपने परिवार और अपने समाज के लिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, वैश्विक महामारी कोरोना अभी खत्म नहीं हुई है और इसमें सुरक्षा का एक कवच जो है वो वैक्सीन है, एकमात्र कवच वैक्सीन है। तो मेरी आप सब सभी नागरिकों से गोरखपुर के यही अपील रहेगी, सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त निशुल्क वैक्सीनेशन कराई जा रही है और इसमें जितने भी हमारे अभिभावक हैं वो उनसे भी एक स्पेशल अपील रहेगी कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन से जो सुरक्षा मिलती है उससे बच्चे भी बचेंगे, आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा जो कुपोषित बच्चे हैं उनके अभिभावकों से स्पेशल अपील है कि वो लोग बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए जो सरकार द्वारा स्कीम दौड़ाई जा रही है उसका तो सहयोग ले ही लें, लेकिन इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है वो समय से करा के अपने बच्चों को भी सुरक्षित करिए, अपने परिवार को भी, समाज को भी और अपने जिले को भी, देश को भी, ये हमारा सबका फर्ज है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ महिलाएं हैं जो जाना नहीं चाहती हैं, नहीं कराने, उनके लिए क्या करें? उनके लिए सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी जो उनके ग्रामीण क्षेत्रों में उनके गांव में जाके प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुद पहुंचेगा वहां पे और एकदम पास में वैक्सीन लगाई जाएगी और कल से ये अभियान शुरू हो रहा है 7 ब्लॉकों में गोरखपुर के और ये 1 जुलाई से पूरे गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में क्लस्टर अप्रोच से हम लोग जाएंगे। माइक्रो प्लान जो है वो हम लोग पहले ही शेयर कर देंगे। मोबिलाइजेशन जो है वो बड़े स्केल पे किया जा रहा है और अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोगों ने सारी टीम्स को एक दूसरे से जोड़ दिया है और कल से हमारा अभियान 7 ब्लॉक में शुरू हो रहा है और अगले 7 दिन में ये पूरे 7 ब्लॉकों में हम लोग सेचुरेशन करेंगे 15-15 गाँव में और उसके बाद पूरे गोरखपुर में इसको ले लिया जाएगा 1 जुलाई से।